हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 8। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो देखिए, जो है घर का हमारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है और हमें करना है घर का काम और फिर सिलना है मुझे सूट अपने। और जो मैरून कलर का सूट है वो मेरा सिल चुका है, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में आगे। और जो ये है मेरे लिए दो सूट लेकर आए हैं और एक मम्मी का लेकर आए हैं। मेरे तो डेली यूज के पहनने के हैं और मम्मी का जो है कढ़ाई का है, लेकिन मेरा तो सिंपल सा है तो मैं दिखाऊंगी आपको। और हमें तो पता भी नहीं था कि हमारे लिए सूट लेकर आएंगे और लेके आगे और हमें सरप्राइज दे दिया मम्मी को भी और मुझे भी इन्होंने, कि बोल रहे देखो तुम्हारे लिए सूट लेके आया और बताओ कैसे लगे। हमें अच्छे लगे हैं बहुत ज्यादा और आपको भी दिखाएंगे हम, आप भी बताना कि आपको कैसे लगे सूट। तो जो है मेरा सूट सिलने जा रहा था, 15 दिन सारे हो गए, आज तक नहीं सिल के आया है और ना मम्मी का सिल के आया है, तो इसलिए धीरे धीरे मैं ही सिल रही हूँ। 2-3 दिन लग जाते हैं मुझे एक सूट सिलने में। वैसे तो एक दिन में यानी कि 2-3 घंटे लगते हैं पूरा सूट सिलने में, और अब तो मैं धीरे धीरे करके 2-3 दिन लग जाते हैं मुझे सूट सिलना। तो चलिए जी पहले काम करते हैं और फिर जो है मम्मी का सूट सिलते हैं वरना अपना सिलते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या क्या शॉपिंग करके लेके आए हैं हमारे लिए। तो बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। और हाँ, जो है पापा जी अरे गए हुए हैं खेत में और दोपहर के टाइम 12 बजे आएंगे और खाना जो है हमें बनाने हैं कढ़ी चावल। और सिलेंडर जो है हमारा खत्म हो चुका है और चूल्हे पे ही बनाएंगे। देखिए जो है ये सूट लेकर आए थे, हमें सरप्राइज गिफ्ट दिया है इन्होंने, तो भी हम सूट आपको दिखा देते हैं। ज्यादा तो नहीं है, 3-4 सूट है और जो डेली यूज के मेरे तो डेली यूज के पहनने के हैं और मम्मी का जो है आने जाने का है यानी कि कढ़ाई का है। तो पहले मम्मी के सूट से शुरुआत करते हैं। वैसे हमने खोल के देख लिया एक बार सूट सलवार कपड़ा कितना है, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो ये देखिए, ये जो है मम्मी का सूट है, बेबी पिंक से कलर का है, हल्के गाजरी से बोल सकते हो इसे, और गोल्डन कलर की जो है इस पे कढ़ाई है, गले पे भी है और पल्ले पे भी है, पूरे फ्रंट पे है यानी कि पूरे जड़ा हुआ है और अच्छा लग रहा है। मम्मी की पसंद का सूट एकदम पसंद आ गया यानी कि मम्मी को। लाइट सा कलर है तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। और इस पे लेस भी है और पहले सिल लूंगी मैं, मम्मी का देखती हूँ सूट सिलती हूँ नहीं सिलती हूँ, पहले मम्मी बोल रही है अपने सिले डेली यूज के पहनने के। और मम्मी को चाहिएगा ये शादी में, 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा बस सूट सिलने। और दुपट्टा जो है इसका इन्होंने करा भूला है दुकान पे, लेकिन दुकान वाले को फोन किया था, बोल रहा था कि हाँ यही पे है दुपट्टा, तो आज जाएंगे जिंजाने वहां से लेके आएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मम्मी का सूट कैसा लगा। तो चलिए जी अब मैं आपको अपना दिखा देती हूँ सूट, कि मेरा सूट कैसे है। ये मेरे तो सिंपल ही है डेली यूज के, और कढ़ाई वगैरह के तो मेरे पास काफी हो रही है, मैं पहनने नहीं जाते गर्मियों में। तो ये देखिए, ये है मेरा सलग का सूट है, 4.5 मीटर का है ये, और ये है कॉटन में, बहुत ही बारीक कपड़ा है, इसे वेल में भी बोल देते हैं हम, यानी कि वेल में है। ये देखो कितना बारीक है और डेली यूज में जो है ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। और इस पे जो है छप्पा भी है अंदर वाला जो बारीक बारीक सा, ये वैसे फूल भी है और प्रिंट भी है इस पे व्हाइट कलर का, और ये भी अच्छा लगा। वैसे इनकी पसंद ठीक ठाक सी है, वैसे इतनी खराब नहीं है, अच्छे लगे। येलो है यानी कि मस्टर्ड से कलर का है ये वाला सूट, एक तो ये हो गया। और ये लेके आया सूती दुपट्टा यानी कि कॉटन का दुपट्टा, बहुत अच्छा लग रहा है ये भी, दोनों सूट पे चल जाएगा यानी कि ये। और गर्मी अभी तो ऐसे दुपट्टे ओढ़ लेते हैं यानी कि जैसे सूट के होते हैं ये वाले, लेकिन जो जब ज्यादा गर्मी आ जाएगी और जो यानी कि सूती से ही अच्छे लगते हैं ये, कॉटन के होते हैं, इनसे फेस वगैरह भी पोंछ लेते हैं, पसीना वगैरह आता है तो इनसे फेस भी नहीं छिलता, नहीं ऐसा से तो फेस छिल जा रहा है बहुत ज्यादा। तो चलिए जी ये दुपट्टा भी हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, जो है ये है ऑरेंज कलर का सूट और ऑरेंज सहज ये भी अच्छा लगा, इस पे लाइनिंग वाली छप्पा है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है ये देखो। और ये भी अच्छा लगा, ये भी 4.5 मीटर का है, इस पे भी हल्का सा प्रिंटेड है और वेल का है ये सूट भी, लगे पति देव ने बिना बताए ला के दे सरप्राइज भी, तो फिर भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए जी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। जो है मेरा मैरून सूट था वो मैंने सील लिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा सिला है।
और मोरी वगैरह जो थी डिजाइन की मेरे पे इतनी अच्छी नहीं बनती, मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। सिलवार से शुरुआत करती हूँ, और जो है तुरपाई नहीं हुई है अभी, कल मैंने सिला था और कल ये दूसरे सूट लेके आ गए थे, तो मैंने सोचा कि इन्हें भी सिल लिया जाए और तुरपाई जो है फ्री टाइम में कर लेंगे बैठ के। तो देखिए ये है मेरा सलवार, और सलवार जो है मैंने सिल लिया है, और मोरी की जो है मैंने डिजाइन ऐसा बनाया, और मोरी मेरे से बनाने नहीं आती, सिंपल सी बनाई है, लहर भी डाल दिया बस इसमें यानी कि, और ये डाल दिया बीच में, और मैं सिंपल सी बनाऊ। देखो ये तो मत कहना कि आपने कैसी बनाई है, काम चला हुआ है, डिजाइन नहीं आता। और ये हो गया मेरा सूट, अभी तो ऐसे ही पड़ा है, तुरपाई नहीं हुई इस पर, प्रेस नहीं हुई, और प्रेस करने के बाद इसे रख दिया जाएगा उठा के, और पहनने के लिए अभी नहीं पहनने की, मैं इतने मोटो मोटो में ना गर्मी सी लग जा रहा है। और ये सिल चुका है मेरा सूट, ये देखिए ये हो गया कुर्ती टाइप में आई, ये गला हो गया, और ये होगा डिजाइन इस पे मोती से लग रही, और ये लग चुके हैं नीचे लैस इस पे, और जो ये मोती से लग रही ना यहाँ पे भी ये डिजाइन था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने उतार के ये वाला डिजाइन बाजू पे लगा दिया, बाजू भी खाली खाली नहीं लग रही, ये देखो कितनी अच्छी लग रही बाजू, ये डिजाइन मैंने बाजू पे लगा दिया, और कितना बेहतरीन लग रहा डिजाइन। और मम्मी यार बोल रही कि चलो बढ़िया हो गया, और टेलर पे सिलने गया उसकी तो मैं बाट देख रही, यानी कि वेट कर रही उसका सूट का कि कब आओगा, उससे पहले मैं सारे सूट सिल के पहन लूंगी अपने। ये सिल चुका है, और जोन सा आपको हमने अभी दिखाया है, सुबह दिखाया था वीडियो में, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, सरप्राइज सिल दिया है जो है मैंने सलवार तो सिल दिया है, सील तो देती मैं सूट भी, मुझे सिर्फ 2.5-3 घंटे लगते हैं पूरा सूट सिलने में, लेकिन जो है मम्मी मना करने लगी कि कल को सील देना, तो ये भी सील दिया है मैंने पीला सा सूट, ये देखो कितना अच्छा लग रहा। और इसकी भी सिंपल मोरी, इसमें तो कोई डिजाइन नहीं चमक रहा, छोटी बनाई है इसकी, उसकी काफी बड़ी है, और बहुत ही बारीक सा कपड़ा है, और पहनने के बाद ऐसा लगेगा कि कुछ पूछो ही मत, बहुत ही ठंडा ठंडा सा। तो मैं आपको ये मैरून सूट पहन के दिखा देती हूँ चलो। तो फ्रेंड्स देखिए जो है मेरा सूट सिल चुका है, और ये है इसका दुपट्टा, साइड में डाल के अच्छा लग रहा है वैसे, यहाँ तो साइड में डलने का नहीं, सर पे रखा जाएगा, और काफी नीचा सूट सिल लाया मैंने, अभी तो उखड़ पुखड़ लग रहा है, लेकिन फिर जो है तुरपाई प्रेस होने के बाद अच्छा लगेगा, मैरून कलर का सूट, मैं शीशे में देख के आती हूँ एक बार। बोलने लगे मुझे कि पहन के दिखा दे अच्छा मुझे एक बार, तो मैंने इनकी ख्वाहिश कर दी है पूरी, अपने पति की बात भी माननी चाहिए, तो बिना तुरपाई करेगी प्रेस करेगी पहन के दिखा दी। और बॉर्डर जो है काफी बड़ा है इसमें, सही है ना। मैं मेरे हमारे पास बहुत ज्यादा कमेंट आई हुई थी कि दीदी आप सलवार की कटिंग बताना, तो मैं आपको सलवार की कटिंग बता देती हूँ, सिंपल सी है, जिससे कि आप 2.5 मीटर के सलवार बहुत अच्छा बना सकते हो। और जो येलो कलर का सूट है ये, यानी कि छप्पे का लेके आए हैं, तो ये 2.5 मीटर का सलवार है और काफी हैवी बन चुका है, तो मैं आपको कटिंग बता देती हूँ। तो चलिए देखिए जो है कपड़े पे मैं नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सिंपल से मैंने पेपर पे बता देती हूँ। जैसे कि हमारा ये कपड़ा हो गया पूरा का पूरा, हम इसे फोल्ड कर लेते हैं ऐसे, और इतना फोल्ड करना है यानी कि जितनी हमारी लेंथ है, यानी कि मेरी जो सलवार की लेंथ है 38 इंच है, और 38 इंच में 3 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, यानी कि उसी में से, और फिर 38 और 3 हो गए 41, 41 में से 8 इंच का हम बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं, यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा निकल जाता है नेफा मोड़ने के लिए, और सिलाई में आ जाता है जोड़ में। तो चलिए जी ये हो गया, और ये हो गए हमारे गोड्डे, यानी कि जितने हमें मोरी करनी है, मोरी की चौड़ाई नीचे से, यानी कि मैंने की बात है 6 इंच की मोरी करनी है, तो हमें 6 इंच का ये कपड़ा हमें ऐसे मोड़ लेना है, हमारे हिसाब से तो 6 इंच का हो गया, वैसे तो 1 इंच का है ये, लेकिन हमारे हिसाब से 6 इंच का हो गया। तो चलिए जी, और लंबाई इसकी इतनी ले लेते हैं, 41 में से 8 निकाल के बचे हैं 33 इंच के हम गोड्डे ले लेते हैं यहाँ पे, यानी कि देखते हैं जैसे कि यह है, हम सिंगल ही बता देते हैं आपको, ये गोड्डे ले लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए जितना हो गया हमने, यानी कि यहाँ पे 33 इंच को गोड्डा ले लिया 33 इंच का, तो हम यहाँ पे 5 इंच ले लेते हैं, ये तो अपने हिसाब से ले रहे हैं, वैसे ही हम यहाँ पे निशान लगा लिया हमने, और 33 पे ही यहाँ पे लगा लिया, ये तो अपनी लेंथ के हिसाब से
और 3 इंच जो है एक्स्ट्रा कपड़ा लिया जाता है इसमें, और 9 इंच किस्कत वाला बनाना है तो ऐसे ही बनेगा। तो ये हो गया, और 10 यानी कि 9 इंच की किस्कत लेनी है तो हम 9 इंच की किस्कत का यहाँ पे ऊपर निशान लगा लेंगे ऐसे करके, यहाँ पे 9 और 33 हो गए यानी कि 42। तो 42 इंच के हम पूरा कपड़ा यहाँ पे ले लेंगे, यानी कि पूरा यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसे ऐसे करके इसे पूरा ये कर लेंगे कटिंग। ये देखो यहाँ पे निशान लगा के इतना रख लेंगे। तो चलिए हम आपको बता ही देते हैं। तो यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा लेते हैं जो खिसकत में यानी कि नीचे सिलाई आती है गोलाई में, और जो यहाँ से है 9 इंच की खिसकत इधर से ले लेते हैं यहाँ से लेके, और 1.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेंगे। हो गया। और तो इसे और इसे दोनों निशान को ऐसे इंची टेप रख के मिला देंगे। ये हो गया। तो मैं अब आपको छांट के दिखा देती हूँ सलवार। ये यहाँ से हम कर लेते हैं इसकी कटिंग, ऐसे हो गया। और इसे जो है इधर हमने खिसकत का निशान लगाया था, ये भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। और हमें ज्यादा सिलाई भी नहीं लगानी पड़ेगी। ये देखिए, आप इसे यहां से भी कट कर सकते हो, यानी कि सुआ है जो, इसे अलग भी कर सकते हो, लेकिन जब इसमें जुड़ा हुआ है काटते की इसे एक ही सिलाई लगानी पड़ेगी। और ये हो गए इसके सुए, यहाँ पे जोड़ आने के बाद ये इस तरह का एक साइड का पोंछा हो जाएगा और एक साइड का छट जाएगा उस पर, यानी कि फोल्ड करके आप इसे छांट सकते हो ऐसे। हो गया ये। और फिर जो है बेल्ट एक्स्ट्रा कपड़े में से निकाल लेंगे, 8 इंच की बेल्ट निकाल लेंगे जो 8 इंच हमने एक्स्ट्रा दिया था उसमें। ये हो गए यहाँ से, वो तो अपनी मर्जी से कहीं से भी निकाल लो। और जो ये बेल्ट है और ये इस तरीके से सिल जाएगा। चुन्नट भी डाल के दिखा देते हैं हम आपको, जैसे कि यहाँ पे चुन्नट हो जाएगी, ये रहा इस तरह चुन्नट आ जाएगी इसमें बेल्ट में जोड़ने के बाद। तो ये हो जाएगी इस तरह सलवार। और आप ये तो आपको वैसे नजर आ रहा, लेकिन जो है सलवार बहुत अच्छा बन जाता हैवी। और इसी की कटाई का मैं आपको सलवार अपना येलो वाला दिखा देती हूँ दोबारा से। फिर आपका सलवार इस तरह का बन के तैयार हो जाएगा। और ये देखिए कितने गहरे गहरे बल दिए हैं मैंने, 2-2, 3-3 इंच की इतनी गहराई दी है इसमें, और बहुत ही अच्छे बन चुका है। और ना ज्यादा हैवी है और ना ज्यादा हल्का है, यानी कि बहुत ही अच्छा है, घूम आ रहे हैं इसमें। मैंने पहन के देखा था, ये घूम आ रहे हैं बहुत अच्छे। और जब मैं पहन लूंगी इस सूट को सिलने के बाद, तो जब भी दिखाऊंगी आपको कितने अच्छे घूम आ रहे। तो आप ऐसे अपना सलवार तैयार कर सकते हो सिर्फ 2.5 मीटर कपड़े में से, 2.5 मीटर का बहुत ही अच्छा हैवी सलवार। तो ऐसे बनाइए आप भी। अगर आपको कुछ और सीखना है यानी कि सिलाई में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि आपको ये, आप हमें बताओ कि हम आपको फिर बता देंगे। ब्लाउज हुई, सूट हुआ, सलवार हुए, यानी कि पजामी हुई, इस तरह की पेटीकोट, इस तरह के बता सकती हूँ मैं आपको। ये देखो सूट। हम अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।